अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ हाजिर हो गई एक नए सबक के साथ, जिसका नाम है बातें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज क्या दिन है? आज है जुमा। और आज क्या तारीख है? आज है 27 मार्च 2020। आज हम लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोग जल्दी से मेरे प्यारे से बच्चों जल्दी से सफ़ा नंबर 15 खोलिए। जी सफ़ा नंबर 15। जी बिल्कुल। अच्छा बच्चों, हम लोग शुरू क्या करेंगे? हम लोग शुरू यहाँ से, मैं आपको सबसे पहले ये बताती चलूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, जिस नज़म में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए नात कहलाती है। आप लोग को मैंने बताया था ना कि जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए वो क्या कहलाती है? हम। और अब आप लोग ये देख लें, जिस नज़म में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए नात कहलाती है। अच्छा बच्चों, आज हम लोग ये कुछ पढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें। चलें जी हम लोग शुरू करते हैं। आओ ना आज जिक्र करें कुछ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जहानों के नूर का। अच्छा बच्चों, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आओ आज हम लोग कुछ बात करते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, ठीक है, और जहानों के नूर हैं, तमाम जहान की रोशनी है, नूर है, रोशनी है, ठीक है। फरमान है कि बच्चे गुलिस्तान के फूल हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि गुलिस्तान क्या होता है, कुछ आप लोग अगर आइडिया हो इस बारे में। जी बच्चों, ये किसे कहते हैं? बाग को कहते हैं गुलिस्तान। बाग जिसमें फूल खिलते हैं, जिसमें हम लोग खेलते हैं ना, बाग, उनको कहते हैं गुलिस्तान। वल्ला, कितने प्यारे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बेशक बेशक वो ये कह रहे हैं अब कि ये हुक्म है कि ये जो बच्चे हैं ये एक बाग के फूल हैं, ठीक है, और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यारे हैं। सहरा में बकरियां भी चराते रहे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहरा क्या होता है बेटा? रेगिस्तान वाली जगह, ठीक है। झड़भेरियों के बेर भी खाते रहे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग को पता ना एक बेर फ्रूट होता है, ठीक है, तो जो झड़भेरी होता है, जो झड़े हुए बेर, जो ज़मीन पे गिरे हुए बेर होते हैं ना, जो अपनी जो बेर होती है उसे गिर जाते हैं नीचे, वो बेर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहे। कपड़े फटे तो आप ही पैबंद लगाया, बकरियों का दूध धो लिया, चूल्हा जलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा अब ये जो शेर है, इसमें जो शायर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें भी अपने काम खुद करने चाहिए, जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे हैं। अगर उनके कपड़ा कोई फट जाता तो आप उसको सिलाई भी खुद ही लगाते। पेवंत का मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा कपड़ा कोई काट के वो उसके ऊपर जो फटा हुआ हिस्सा होता था उसके ऊपर लगा के सी लिया करते थे। बकरियों का दूध भी खुद ही धोते थे और चूल्हा भी खुद ही जलाते थे, यानी अपने सारे काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही किए हैं। तो मेरे बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हम लोग को दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, हम लोग को भी अपने सारे काम खुद से ही करने चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करवा रही हूँ, कुछ अल्फाज जो कि आप लोगों ने इमला के तौर पे अपने उर्दू अलिफ की कॉपी में लिखने हैं, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। पहला लफ्ज़ आप देख लें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक लफ्ज़ ये हो गया। दूसरा लफ्ज़ हो गया नबी, दूसरा लफ्ज़ हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा लफ्ज़ हो गया जहानो, तीसरा लफ्ज़ कौन सा हो गया? जहानो, ठीक है, जहानो। चौथा लफ्ज़ हो गया गुलिस्तान, चौथा लफ्ज़ कौन सा हो गया? गुलिस्तान। पांचवा लफ्ज़ है सहरा, पांचवा लफ्ज़ है सहरा। और छठा लफ्ज़ है पेवंद। एक लफ्ज़ है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा, दूसरी लाइन में आप लोग देख लें, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जहानो, ठीक है,
और जो लफ्ज तीसरा है वो तीसरी लाइन में देखिए गुलिस्तान, चौथा जो है आप लोग पांचवी लाइन में देखिए सहरा, और जो आखिरी लफ्ज है वो आप लोग सातवीं लाइन में देखिए पेवंद। ठीक है, आज का हमारा काम यही था बेटा। मैं कल इंशाल्लाह ताला अगला जो इसका हिस्सा है उसके साथ हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। अल्लाह हाफिज़।